अस्सलाम। इस टाइम मैं फेज 7 के जो है 150 फिट रोड से जो है वो यू टर्न ले रहा हूँ, और ये सामने जो है ये नॉलेज सिटी की लैंड है जो कि Z1 के साथ और Z2 के साथ आती है, और ये 150 फिट रोड वो है। मैं भी आपको इधर से दिखा भी देता हूँ। आज जो हम कवर करेंगे, बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, वो Z1 को कवर करेंगे। ये सामने सारे जो घर हैं ये Z1 के हैं, और इसकी दूसरी साइड पे ये सारा वाई ब्लॉक है। ये 150 फिट रोड है जिसके ऊपर मैकडॉनल्ड बना हुआ है, इसी लेन में आगे जाके आएगा भी, और जिसके ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप है, फिलिंग स्टेशन एक बना हुआ है, और मेरी लेफ्ट साइड पे सारा Z1 ब्लॉक है। मैं इधर से आपको दिखा भी देता हूँ, ये चेक करें, ये Z1 ब्लॉक है। यहाँ पे 150 फिट रोड के ऊपर अगर आप 10 एक नाल का प्लॉट लेते हैं, यहाँ पे सॉरी सारा जो प्लॉट्स की कैटेगरी वो एक नाल की है, एक नाल का प्लॉट लेते हैं तो वो मिलता है आपको कोई जो है वो 3.5 से लेके 4 करोड़ भी अब आस्किंग होती है। अगर ये इस दीवार के साथ जाएंगे तो फिर प्लॉट्स के रेट्स कम है, 3 करोड़ में भी मिल जाएगा। हो सकता है वो नीचे जाए, नीचे वाले पोर्शन में, तो 3 माइनस में भी प्लॉट मिल जाए दीवार के साथ, ये जो नॉलेज सिटी वाली लैंड है इसके साथ। तो ये Z1 में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो हो चुकी हुई है, और यहाँ पर ओवरऑल जो रेट है वो 3 करोड़ से लेके अब तो 4 करोड़ आस्किंग होती है। मेन के ऊपर जो फेसिंग पार्क आएगा, मैकडोनल्ड के पास प्लॉट आएगा, 150 फिट रोड के ऊपर होगा, और नीचे वाले पोर्शन में वही 3.5 करोड़ का रेट है जो इसका नॉर्मल रेट जो इन पट्टियों में जो है वो चल रहा है। मैं इधर से दिखाऊँ तो ये देखें, ये सामने जो है वो फिलिंग स्टेशन है, अटक का एक पंप बन चुका हुआ है, और ये सारा जो है वो मैकडॉनल्ड बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, और ये सारा Z1 ब्लॉक है। Z1 ब्लॉक का ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा उस तरह इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो है लोगों ने इसमें इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, लेकिन बिल्डर जो है अभी इस तरह एक्टिव Z1 ब्लॉक में नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इधर प्लॉट बाय करें और उसको कंस्ट्रक्ट करके बेच सकते हैं, एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। इधर से लेफ्ट हो, ये सामने 150 फिट रोड है, इसके ये एक्स ब्लॉक है, राइट साइड पे ये W ब्लॉक है, और ये वही वाला पोर्शन है आगे राया को भी जाके लगेगा, ये वाला Z1 ब्लॉक। ये देखें, ये सारा Z ब्लॉक है। यहाँ पे इस तरह की वीडियोस बनाना, ऑन ग्राउंड आना, और वीकली या मंथली मैं 2 से 3 इस तरह की वीडियो जरूर आके करता हूँ, ताकि आप सबकी रहनुमाई हो, आपको आइडिया हो कि अभी करंट जो है वो क्या डेवलपमेंट हुई है, करंट जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो इसमें चल रही है। ये सारा Z1 ब्लॉक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये हाई एक्सटेंशन वायर DHA ने रिसेंटली इसमें जो है वो यहाँ से गुजरी है, DHA की इस लैंड से। तो हाई एक्सटेंशन वायर गुजरने की वजह से यहाँ पे रेट्स जो है 25 से 30 लाख रुपए 150 फिट रोड के ऊपर कम हो गए। यहाँ पे 380-385 की आस्किंग होती थी एक नाल के प्लॉट के ऊपर, अब जो है वो कम होके 350 की आस्किंग है एक नाल के प्लॉट के ऊपर 150 फिट रोड के ऊपर, सेम रेट इसकी मेन की बैक के ऊपर है। और इसे मैंने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, पीछे वाले पोर्शन में जाते जाएंगे, तो वहाँ पर रेट्स जो है वो कम होते जाएंगे। 3 करोड़ से 4 करोड़ की रेंज है, और 4 करोड़ का जो है वो कम ही बायर लगता है, वो उस केस में लगता है जब जो बिल्डर हो, जिसने घर बना के बेचना हो, या किसी ने अपनी पसंद का फेसिंग पार्क मैकडॉनल्ड के करीब Z1 के मेन रोड के ऊपर प्लॉट लेना हो, या कोई कॉर्नर देखना हो जिसमें एक्सेस लैंड हो, तो फिर 4 करोड़ का जो है वो रेट है। यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल भी है जिसमें 4 और 8 मरला के प्लॉट्स हैं, और ये कमर्शियल अभी तो डेवलप नहीं है, लेकिन होपफुली इन फ्यूचर DHA इसको डेवलप कर लेगा। यहाँ पे एक बिल्डिंग भी कमर्शियल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये भी कुछ इसके एक लाइन में मेरे ख्याल है पोजेशन है, बाकी जो है वो तो अभी क्लियर ही नहीं है। ये भी कुछ लैंड है DHA की जो इसी Z1 के अंदर आती है, जो कि अभी डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट में पड़ी है। इसके मैं ये दिखाऊँ कि ये 150 फिट रोड है, ये इसकी दूसरी बैक साइड पे राया है, और ये राया के पहले जो Z1 के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे अब 350 में एक नाल का प्लॉट मिलता है, 350 के यहाँ पे रेट है। अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पे शायद मिल जाता 325 में, लेकिन अब रेट्स यहाँ पर ज्यादा हैं। ये सारे एक नाल के प्लॉट हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा घर बने, ये देखो सामने भी साइड पे भी घर है, और इस लेन में ये पीछे वो नॉलेज सिटी की बाउंड्री है, वो सामने नजर आ रही, वीडियो में नजर आ रही होगी आपको। तो काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो इधर जारी है।
और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है आप, लेकिन आपको प्लॉट लेके उसके ऊपर शायद आप उतने पैसे ना बना सके जितने आप घर कंस्ट्रक्ट करके जो है वो बना लेंगे। मैं फेज सेवन में वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं फाइल्स के अलावा, मैं उन मेरी सजेशन प्लॉट्स में उनके लिए यही होती है कि आप घर लें, प्लॉट सॉरी प्लॉट बाय करें और प्लॉट बाय करके पर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही पैसे हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वही आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि प्लॉट के ऊपर तो आप उस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट अब नहीं बना सकते। 2017 में 2018 में जब यहाँ पे 85 लाख का प्लॉट था, 75 लाख वहाँ पे 2017 के जनवरी में, तो यहाँ पे 1 करोड़ का आपको 4 मरला का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता। तो ये सामने वाले रोड में ये सारा Z1 है और यहाँ पर रेट थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे आप 350-370 भी आस्किंग करते हैं ये मेन रोड के ऊपर प्लॉट की। ये सारी Z1 की लैंड है और यहाँ पर 325 में भी प्लॉट आपको मिल जाता है। इसके सामने PKLI हॉस्पिटल है, मैं इधर से वीडियो में दिखा देता हूँ, वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं PKLI हॉस्पिटल की है, एक हॉस्पिटल है और ये सारे घर बने हुए हैं Z1 में जो आते हैं। और यहाँ पर DHA में कहीं पर भी अगर आपने कोई घर लेना है या आपने प्लॉट बेचना है या प्लॉट खरीदना है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं वन बाय वन जितने भी ब्लॉक्स हैं सबकी वीडियोस करूँगा इंशाल्लाह इसी वीक हम एस ब्लॉक की भी वीडियो करेंगे, तो वो मैं अपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड करता रहूँगा और आप उसको वन बाय वन चेक करते रहिएगा। ये थी आज की जो थी हमारी एक छोटी सी कोशिश थी जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए थे। ये सारे जीवन में मैं गेंद दिखा देता हूँ, ये घर है फेज 7 के हवाले से, ये DHA के हवाले से कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये एंड पे देखता हूँ मैं, अगर रोड ओपन है तो फिर मैं यहाँ से, लेकिन रोड ओपन नहीं है तो वीडियो को यहाँ पर ही हम एंड करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।